गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर। केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। तो इससे पहले हमने लिगेंड्स के बारे में कुछ पढ़ लिया था, तो उसी के आगे हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। तो लुईस एसिड और बेस का कंसेप्ट के थ्रू भी हमने समझाया था कि जो लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। लिगेंड्स में भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और में भी न्यूट्रल, और उनके पास में क्या होगा बच्चों, उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा देने के लिए। दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक भी डोनेट कर सकते हैं, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एक लोन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनको अलग से अलग नाम से जाना जाएगा। इसी टाइप से तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर अगर डोनेट करते हैं तो उसको अलग नाम से जाना जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lone pair of electrons on the basis of the donation of the lone pair of electrons ligands are classified into monodentate ligand, bidentate ligand and tridentate ligand and polydentate ligand. So ligands ko classify karte hain bachcho on the basis of the donation of the lone pair of electron. agar koi bhi ligand ek agar koi bhi ligand agar ligand sirf agar ligand sirf ek lone pair ko donate karta hai, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती, इसके एक ही दांत। मतलब एक दांत का मतलब यहाँ पे है कि वो सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड को हम यूनिडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए अभी तक कि लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर आपको लिगेंड का कंसेप्ट ही पता नहीं है ना, तो मैं कितना भी लिगेंड लिगेंड बोलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहली बात तो आपको लिगेंड को समझना है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक होती है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के बाद में होते हैं लिगेंड्स। सेंट्रल एटम में सो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में से होगी, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट में से होती है। 90% केसेस में डी ब्लॉक एलिमेंट में से सेंट्रल मेटल एटम होगी। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स एक ऐसी स्पीसीज होती है, लिगेंड्स एक ऐसी स्पीसीज होती है जो क्या कर सकती है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कैपेबल होती है। विच इज कैपेबल टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो लिगेंड्स जो है वो नेगेटिवली स्पीसीज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है, और वो न्यूट्रल भी हो सकती है। विच इज केपेबल टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट्स, आप लोगों को क्लियर होंगे, क्लियर हो गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने में कैपेबल है। तो कौन कौन से, अमोनिया है, वाटर है, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल आयन O-2 एंड NO2-नाइट्राइट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, इनको आपको याद करना है बच्चों। तो NH3 है ना, ये अमोनिया है, वाटर है, आप सभी लोगों को पता है इनके बारे में। तो आपको इनके बारे में, ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, दे आर कैपेबल टू डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब ये जो लिगेंड्स होते हैं उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एटम ही होता है जो क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। पूरा पूरा लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता, मतलब एक लिगेंड के अंदर एक एटम भी हो सकता है या नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे ये अमोनिया की हम बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन ही कैपेबल है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसको बोलते हैं डोनर एटम, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम इन द लिगेंड। ये डोनर एटम है, ये लिगेंड है ना, जो अमोनिया जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, सेंट्रल मेटल एटम को ये डोनेट कर सकता है।
अब ये जो अमोनिया है, ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके पास में जो ये नाइट्रोजन है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट करेगा। तो इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम इन द लिगेंड। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो आपको मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या, ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब टोटल दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। यस, दीज आर द नेम ऑफ द लिगेंड एंड द फॉर्मूला एंड द डोनर एटम। डोनर एटम आपको पता होना चाहिए बच्चों के, लिगेंड के अंदर, लिगेंड जो है, लिगेंड या तो वो एनायन हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी स्पीसीज हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है जैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है। ये सारे क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करने में कैपेबल है तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब लिगेंड के अंदर ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा अगर एटम है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कैपेबल नहीं होते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर एटम्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकते हैं। जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको लोगों को पता होगा वाटर की स्ट्रक्चर, तो वाटर की स्ट्रक्चर आपको पता है तो मैं नहीं पता है तो मैं बना देता हूँ। जैसे ये वाटर की स्ट्रक्चर है, तो वाटर के पास में दो लोन पेयर, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सिर्फ ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कैपेबल है, इसलिए वाटर को हम क्या कंसिडर करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड में कंसिडर करते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी टाइप से अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, तो नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है। नेक्स्ट पिरिडीन, पिरिडीन आपको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H5N इज कॉल्ड पिरिडीन। अब ये जो पिरिडीन है इसका फॉर्मूला मैं अगर बनाता हूँ तो ये इस टाइप से इसको बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H5N, इट इज ए पिरिडीन। अब इसके अंदर जो N है ना नाइट्रोजन, ये डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। इसी टाइप से कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का मतलब होता है CO कार्बोनाइल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोनाइल। इसके अंदर ऑक्सीजन है जो डोनर एटम है। इसी टाइप से नाइट्रोसाइल, NO को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ये नाइट्रोजन इसमें कैपेबल है डोनर एटम के फॉर्म में। इसी टाइप से ट्राइफिनाइल फोस्पिन, ये ट्राइफिनाइल फोस्पिन का फॉर्मूला। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड एंड OH, इसी टाइप से हेलाइड, हेलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बहुत आयत होती है, एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे क्लोरीन की मैं बात करता हूँ तो इसके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप बता सकते हो, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करने में कैपेबल होगी। इसी टाइप से साइनाइड आयन जिसको हम CN से लिखते हैं, नाइट्रो NO2 से लिखते हैं, नाइट्रोसो ध्यान रखना ONO, देखो ध्यान दो बच्चों यहाँ पे NO2, ये है नाइट्रो, ये नाइट्रो जिसके अंदर नाइट्रोजन, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन ये कैपेबल होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। इसी टाइप से नाइट्रोसो होती है, नाइट्रोसो ONO, ONO को हम बोलते हैं नाइट्रोसो, इसको NO2 नहीं बोलना, NO2 इसको नहीं बोलना, ये ये क्या है, ये है नाइट्रो और ये है नाइट्रिटो, तो नाइट्रिटो को ONO, इसके अंदर देखो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या कर सकती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। इसी टाइप से ऑक्साइड O-2, इसके अंदर ऑक्सीजन डोनेट कर सकती है। थायोसाइनेट में SCN है, इसमें S और CN दोनों कर सकते हैं, ये एम्बीडेंडेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, एम्बीडेंडेड लिगेंड। आप लोगों ने एम्फीबिया नाम सुना होगा, एम्फीबिया होते हैं ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 6-7 क्लासों में पढ़ा होगा एम्फीबियंस के बारे में। जैसे मेंढक वगैरह है वो एम्फीबियंस होते हैं, वो पानी में रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, मतलब दो टाइप की कैटेगरी शो करते हैं। इसी टाइप से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्बीडेंडेड लिगेंड, जो दोनों साइड से काम कर सकते हैं, दोनों साइड से जुड़ सकने का काम करते हैं। जैसे ये थायोसाइनेट है, इसके अंदर ये एस से भी जुड़ सकता है, एन से भी जुड़ सकता है, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल। इसी टाइप से एसीटेट CH3COO-, इसमें ऑक्सीजन है वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकने में कैपेबल होती है। अब बात आती है बच्चों डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड बोलो या इसको बाइडेंटेड बोलो एक ही बात है दोनों, डाई या बाई का मतलब होता है दो लोन पेयर, ये क्या कर सकते हैं ये दो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कैपेबल टू डोनेट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सो दे आर कॉल्ड डाई डेंटेट और बाई डेंटेट लिगेंड। अब इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन एंड ई एन इथाइलिन डाइएमिन। ई एन मतलब है यहाँ पे इथाइलिन डाइएमिन, ठीक है, ये एथिलिन डाइएमिन, ये CH2 NH2 NH2। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, इन दोनों के पास में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में केपेबल होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। इसी टाइप से ये अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों। ये ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। देखो अलग अलग है इसमें, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं इसमें, एक ही लिगेंड है लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं। इसमें नाइट्रोजन में, ग्लाइसिनेट में ये नाइट्रोजन ये केपेबल होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने में। इसमें ऑक्सीजन भी होती है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने में केपेबल है ग्लाइसिनेट, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड। इसी टाइप से डाइफिनाइल है, ऑर्थो फिनाइल, ऑर्थो फिनोथ्रिन भी है, ये सब क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो दो या दो से ज्यादा, ऐसे लिगेंड्स जो दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विच आर केपेबल टू डोनेट मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विच आर केपेबल टू डोनेट मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर आएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड मींस ऐसे लिगेंड जिस जो केपेबल होते हैं दो या दो से ज्यादा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लिगेंड देने में केपेबल है उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड। वो तीन दे सकते हैं, तीन देंगे उसको भी पॉलीडेंटेड में हम काउंट करेंगे, तो तीन देते हैं अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। टेट्रा का मतलब फोर और पेंटा का मतलब फाइव एंड हेक्सा का मतलब सिक्स, ठीक है। ये उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब के, ये जैसे एग्जांपल दे रखा है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन को TRIEN से लिखते हैं। जो एथिलीन डाईएमीन है ना, एथिलीन डाईएमीन को हम ई एन से लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों। पीडीन को PRY से लिखते हैं, PRY से। ये शॉर्टकट चलते हैं इसमें, ये लिगेंड के शॉर्टकट चलते हैं, इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल बनाते नहीं है स्ट्रक्चर में, इसलिए इनके शॉर्टकट चलते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमिन को लिखना है तो एथिलीन डाइएमिन तो एक्चुअल में ये होती है CH2 CH2 NH2 NH2। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा लिखते नहीं है, तो इसको सीधा ये लिख देते हैं EN, ये एथिलीन डाइएमिन है। इसी टाइप से EDTA है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड EDTA है। तो EDTA का फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटेट, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटेट। एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिडेट का फॉर्मूला आप लोगों को बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ बच्चों। एथिलीन डाइएमिन तो ये एथिलीन बनाओ, एथिलीन ये बन गई। अब डाइएमिन है, डाइएमिन बनेगा इसका मतलब NH2 NH2 से डाइएमिन बनती है। अब क्या करना है, टेट्रा एसिटेट करना है। तो ये जो इसके जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को रिमूव करो और इसकी जगह क्या लगा दो, एसिटेट ग्रुप लगा दो। इसकी जगह क्या लगा दिया, एसिटेट ग्रुप लगा दिया, ये एसिटेट ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पर भी क्या लगा दो, एसिटेट ग्रुप लगा दो, ये हमने एसिटेट ग्रुप लगाया। इधर भी लगा देते हैं CH2 CO4-। ये दो, ये क्या हो गया, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटेट, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटेट, इसको हम बोलते हैं EDTA। ये टेट्रा डेंटेड लिगेंड है। टेट्रा डेंटेड लिगेंड का मतलब है ये चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। चार कौन कौन से करेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन करेगी एक एक लोन पेयर, ये दोनों ऑक्सीजन करेगी एक एक लोन पेयर, तो टोटल चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट बनता है EDTA, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बाइडेंटेड लिगेंड के फॉर्मूला दे रखे हैं और इसमें डोनर एटम भी बता रखा है, उसको एब्रीवेशन भी बता रखा है कि इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमिन है, जैसे अभी हमने फॉर्मूला बताया था, इसमें जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन ये केपेबल होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में,
तो ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो दोनों एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी टाइप से ऑक्सीलेट आयन। तो ऑक्सीलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला COONCOH, ये ऑक्सीलिक एसिड है। अब इसमें से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास में जो आयन बनता है वो है ऑक्सीलेट आयन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, लोन पेयर को डोनेट करती है, ये एक लोन पेयर डोनेट करेगी, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर को डोनेट करेगी, तो ये टोटल दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आई है, डाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में है, और इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है। इसी टाइप से ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम GLY से लिखते हैं। इसी टाइप से ये एसीटोनोएट है, इसमें ऑक्सीजन कर सकती है। तो इस टाइप से अलग अलग इसको देखो, डाइफिनाइल की, डाइपिराइडिल की ये स्ट्रक्चर बनी हुई, तो इस टाइप से अलग अलग ये दो, आगे के दो तीन है ना आपको ध्यान रखने, बाकी वाले जो कॉम्प्लेक्स है ना उतने ज्यादा ध्यान नहीं देने ना आपको, कभी एग्जाम में पूछेंगे, ये तो सारे कंपटीशन के लेवल से बुक बनी हुई है उसमें दे रखे हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड का। ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने में कैपेबल होते हैं, दे आर केपेबल टू डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर केपेबल टू डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो तीन नाइट्रोजन ऐसी है जो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है, तो उसको बोलेंगे ये, सॉरी टेट्रा है, मतलब चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, ये टेट्रा लिखा हुआ है, तो टेट्रा का मतलब होता है चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है क्या करेगी, चार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है, एक ये नाइट्रोजन है, इसके बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने में कैपेबल है ये मॉलिक्यूल। तो इसी टाइप से एक हेक्साडेंटेड लिगेंड भी है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, तो ये सिक्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कैपेबल है, सिक्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना EDTA का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों एम्बिडेंट लिगेंड। तो मैंने पहले भी बताया था एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जो दो तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट लिगेंड के अंदर आएगी ये देखो नाइट्रो है ना, ये देखो मोनोडेंटेड लिगेंड, ये मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, एम्बिडेंट जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये देंगे सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर केपेबल टू डोनेट ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दे कैन अटैच टू द सेंट्रल मेटल आइटम इन बाई टू साइड, दो साइड से ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैक कर सकते हैं, जैसे ये साइनाइड है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये CN है ना, CN, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये इस टाइप से भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम से NC की डायरेक्शन से भी जुड़ सकता है, NC की डायरेक्शन से जुड़ेगा तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, CN की डायरेक्शन से जुड़ता है तो ये साइनाइड बनाता है। इसी टाइप से SCN है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो SCN, और ये SCN ये मेटल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन बनेगा इस टाइप से। इसी टाइप से ये NCS इससे भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ लिगेंड उससे जुड़े हुए होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और फॉर दैट कॉम्प्लेक्स और सॉरी और फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसमें कितने लिगेंड जुड़े हैं, अगर उससे तीन लिगेंड जुड़े हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो सिंपल है। तो देखो एक एग्जांपल है ये AgCN2, तो ये लिखा हुआ AgCN होल ट्वाइस और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव
कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है ये। इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सीएम है, सीएम का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, और ये है सीएन लिगेंड। अब कितने हैं ये अकाउंट में, दो है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, टू। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका टू। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका किसका होगा, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो डेफिनेशन लिखी है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयन। अगर आपको पूछे कि एक ये कंपाउंड दिया हुआ है एन आई एन एच थ्री फोर, अब इसके ऊपर आपको पॉजिटिव का चार्ज दे दिया प्लस टू पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब आपको पूछे कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है निकल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बताएंगे, ये चेक करना है। क्या चेक करना है, कि इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस निकल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इससे एक ही टाइप का लिगेंड जुड़े हुए हैं और वो टोटल नंबर में कितने हैं, चार है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया फोर। इसी टाइप से आप देखो PtCl6, तो PtCl6 में ये क्या है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, Cl लिगेंड है, और Pt क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स सिक्स, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द प्लेटिनम सिक्स। इसी टाइप से इसमें दे रखा है फोर, क्योंकि ये चार अमोनिया जुड़े हुए हैं। इसमें देखो CO Cl3 एंड NH3, देखो ये दे दिया CO Cl3 एंड NH3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ। अब आपको पूछे कि इसके अंदर तो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे। इसमें दो टाइप के लिगेंड है, एक तो क्लोराइड है और एक अमोनिया है। क्लोराइड के कितने एटम है, तीन है, अमोनिया के कितने हैं, तीन है, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स सिक्स, सिक्स लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम का कोबाल्ट का, सिक्स हो गया, सिक्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कोबाल्ट। इसी टाइप से इसका फाइंड करना है। तो ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है सी ओ ई एन थ्री और यहाँ पे लगाया थ्री, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इस केटायनिक कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर निकल के आता है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है सिक्स। सिक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया, सिक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया, यहाँ पे तो देखो तीन ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीन जो है ना बच्चों, ये एक जो लिगेंड है ये क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड का टू काउंट करना है, एक का टू काउंट करना है, ठीक है। ये डाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो थ्री इंटू टू कर दो, थ्री इंटू टू, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है सिक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज सिक्स, इसका सिक्स आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप से ये आपको कंपाउंड दे रखा है एन आई एन एच थ्री सिक्स देन सी एल टू, इसका आपको बताना है सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे निकल, निकल का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिक्स। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, सिक्स लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, ये तो आयन है, इसको काउंट नहीं करना है। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना उसके अंदर ही काउंट करना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब होता है ये, या कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो मेटल होगी और क्या होंगे साथ में, लिगेंड्स होंगे। तो लिगेंड्स के जो नंबर है वो वेरी करेंगे, वो लिगेंड्स के नंबर कितने भी हो सकते हैं। अगर लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड है और उसका नंबर एन है, तो उसको वन इंटू एन करवा दो, तो सेंट्रल मेटल एटम का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अगर लिगेंड डाइडेंटेड लिगेंड है, लिगेंड कैसा है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसको और नंबर ऑफ लिगेंड एन दे रखे हैं, तो एन इंटू टू करो, तो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, तो थ्री इंटू एन करो, तो सेंट्रल मेटल एटम का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। और अगर इस टाइप से लिखा हुआ है एम एल और एन लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के ऐसे बाहर ऐसे एन लिखा हुआ है, तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा, तो क्या करेंगे, सिक्स इंटू एन करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका
सेंट्रल मेटल एटम का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख दो, तो सर कंसेप्ट समझ में आया हमें, और नहीं आया तो वो भी लिखो, ताकि कुछ पता चले मेरे को कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना आ रहा है। यस, नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज के अकॉर्डिंग सेंट्रल कॉम्प्लेक्स आयन को हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो द चार्ज कैरिड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड कोऑर्डिनेट टू इट। तो इनका अलजेब्रिक सम होता है, बहुत ही सिंपल है इनका चार्ज निकालना। तो चार्ज निकालने की बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा ऐसा कुछ, तो उसी टाइप से हम चार्ज निकालते हैं। इसमें कोई अलग से चार्ज नहीं निकालना। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये NiNH3 6 एंड यहाँ पे लिखा 2। तो यहाँ पे हमें ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, इसका हमें चार्ज फाइंड करना है। तो इसका हमें चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका लिखना है तो एक्स लिखो, निकल का हमें पता नहीं है, एक्स लिखो प्लस ये अमोनिया, जो अमोनिया है इसका चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है ये। और नंबर ऑफ अमोनिया लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो 6 × 0 इक्वल टू प्लस का 2। ये जो 2 लिखे ना ऊपर में और इक्वल के उस साइड में लिखने, राइट हैंड साइड में लिखने। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 0 इक्वल टू प्लस 2 एंड एक्स इक्वल टू प्लस 2। तो यहाँ पे जो निकल है इसका चार्ज कितना आ गया, प्लस 2 आ गया। इसी टाइप से ये एक दे रखा है कंपाउंड, इसका चार्ज हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका तो हो गया 0, इसका हो गया -1, तो -1 और ये तो -1 इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका चार्ज, प्लस का 3 हो गया। ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका चार्ज कितना हो गया, 3 निकल के आता है। कैसे करेंगे हम, तो वो कोबाल्ट का करना है, एक्स लिखेंगे प्लस Cl है उसका -1 होता है चार्ज, अमोनिया का 0 होता है, प्लस 0 × 5 करेंगे 0 आएगा, और ब्रैकेट के उस साइड में हम क्या लिख देंगे, प्लस के 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 + 1। तो x की वैल्यू आ गई प्लस की 3। तो चार्ज है कोबाल्ट का यहाँ पे 3। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस टाइप से हम इसका चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब चार्ज फाइंड करने के बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्टेट भी फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो अभी हमने चार्ज किया था, चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग एक टाइप से ही फाइंड करते हैं, इसमें कोई अलग से हमने नहीं करना, अलग टाइप से नहीं करना। जैसे ये लिखा हुआ, ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा अभी तक। ये वाला अभी हमने एग्जाम्पल किया था, ये हमने किया था। अब देखो इसका कर लेते हैं, Fe C2O4 3 और 3- दे रखा है। तो कैसे करेंगे, Fe का तो हमें पता करना है, Fe का पता करना है तो X लिखेंगे प्लस C2O4। ये क्या है, ऑक्सीलेट है, और ऑक्सीलेट किस टाइप का लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये क्या करता है, दो लोन पेयर को डोनेट करता है, और ऑक्सीलेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस का 2 होता है। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, तो माइनस का 2 कर दो चार्ज ऑफ द ऑक्सीलेट आयन, देन नंबर ऑफ आयन, ऑक्सीलेट के आयन कितने हैं, 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 3। ये वो जो ऊपर लिखे ना वो उस साइड में जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, प्लस 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, प्लस 3 आ गई। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिली है प्लस 3। इसी टाइप से इसका आप कर लोगे, बहुत सिंपल है, K4 Fe, बहुत ही फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 Fe CN6। तो ये जो CN है ना, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का वन होता है, और इसके ऊपर देखो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल के उस साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। और पोटेशियम का हमें फाइंड करना है, तो इसको पोटेशियम का हमें पता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है ना Fe, इसका हमें फाइंड करना है। पोटेशियम का हमें पता है प्लस 1 होता है, +1 × 4 प्लस एक्स, और CN का होता है -1, तो -1 × 6 करेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -6 = 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी प्लस की 2। तो आई थिंक द कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे इसका आपको करना है कोबाल्ट में NiCO4, जो CO होता है ना ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो 4 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पे निकल के ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे देखो CN है, ये इसके ऊपर चार्ज माइनस का 1 होता है, −1 × 4, तो माइनस के 4 हो गए, −4, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, प्लस की 1 आ रही है। बहुत ही सिंपल, आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा अभी तक आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यस, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास होगी अभी 5 मिनट के अंदर।